Dear students, in this video we'll study how the charge will transfer from one body to another one. और एक बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में, मैं हर साल देखता हूँ कि वो सोचते हैं कि हमेशा बड़े कंडक्टर या बड़ी कैपेसिटी से चार्ज छोटे कैपेसिटी पे पहुँचता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. चार्ज ट्रांसफर का डिसाइडिंग फैक्टर होता है बच्चों, मान लो दो बीकर है मेरे पास, है ना, जानबूझकर मैंने स्मॉल और एक लार्ज कैपेसिटी का करा हुआ है. अगर बच्चों स्मॉल वाले का जो लेवल है वो ज़्यादा फिल्ड है इस तरह से और ये बहुत ही कम लेवल तक भरा हुआ है, अब बताओ अगर टैप वाटर खोलोगे तो क्या होगा? कोई भी कह सकता है ना, सर स्मॉल से बड़े पे जा रहा है, तो वो इनवैलिड नहीं होगी. आप बड़ी कैपेसिटी से चार्ज ट्रांसफ़र करवाने का सोचते हो? नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान डिसाइड करता है, वो हो जाता है बच्चों इसका V1 और इसके पास क्या हो जाएगा बच्चे लोग, V2. और कब तक ऐसा होगा? जब तक ये अपने आप को न्यूट्रलाइज या एक कॉमन पोटेंशियल पे नहीं लेकर आ जाते, तो ये हो जाएगा बच्चे लोग सीधा सीधा कॉमन पोटेंशियल. ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है इस टॉपिक के लिए, पेपर में आएगा डायरेक्टली बोलेगा कॉमन पोटेंशियल बता दो, राइट. तो मान लेते हैं शुरू में इसके पास चार्ज था बच्चों Q1 और इसके पास चार्ज कितना था Q2. कब तक चार्ज फ्लो होगा मुझे बताओ? जब आपका V1 बाद में और V2 बाद में एक कॉमन पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाते. तो ये लाइन से आपको अपना पढ़ाई शुरू करना है. इस पूरे लॉजिक को यहाँ ले आओ. चार्ज ट्रांसफर कौन करके देगा? आपको पता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल होते हैं और आप हल्ला करोगे अगर मैं यहाँ पे प्लस चार्ज कर लिया, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख लेता हूँ ज़्यादा, ठीक है, Q1. इससे बच्चों नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर यहाँ पर आएगा और आप लोग बच्चों इस चीज़ को ना एज अ कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग भी पढ़ सकते हो. कंडक्शन में क्या होता है? दोनों बॉडीज पे सेम चार्ज होता है, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज होता है, सेम चार्ज नहीं, सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज. तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा. मैं बोल सकता हूँ कि शुरू में दोनों के पास क्या था? Q1 था और यहाँ कितना था बच्चों? Q2. बाद में जो चार्ज रहेगा वो हो जाएगा Q1 का डैश, इसके पास कितना आ जाएगा? Q2 का डैश. शुरू में जो पोटेंशियल था बच्चों V1 था और यहाँ लिख लो आप लोग V2, और फाइनल पोटेंशियल कितना होगा वो सभी जानते हो आप लोग, ये रहा बच्चों. सो आई कैन राइट द चार्जेस विल ट्रांसफर, ठीक है, अनटिल V1 डैश बराबर V2 डैश किसके बराबर नहीं आ जाता बच्चों? कॉमन पोटेंशियल. हम पता करेंगे कितना होता है, पहले आप समझ लो चार्ज ट्रांसफर कब तक हो रहा है. एग्जाम में आएगा कि आफ्टर द रीडिस्ट्रीब्यूशन इज बिंग डन ये कितना आया बताओ या ये कितना आया बताओ, व्हाट इज Q1 डैश और व्हाट इज Q2 डैश. तो फॉर्चुनेटली आपके पास C1 C2 दे रखे हैं और उनके करेस्पॉन्डिंग आपको रेडियस भी दे रखे हैं, राइट. तो देखो सी और आर में अपन को रिलेशन तो मालूम ही होता है, और मैं भी कह सकता हूँ बच्चों कि इस पूरे जो सिस्टम में कहीं बाहर से कोई चार्ज तो आ नहीं गया ना, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन. ध्यान देना सारे बच्चों, पेपर में आता है तो सर करके देना होगा. अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन एवरीबडी कैन राइट. मान लो दो दोस्त हैं, एक के पास 20 रुपीज़ हैं, एक के पास 40 रुपीज़ हैं, कुछ एक्सचेंज कर लिया उन लोगों ने, तो बाद में दोनों में कलेक्टिवली उतना ही अमाउंट होगा ना, ऐसे ब्रह्मा जी आके तो पैसे दे के चले नहीं जाएंगे. तो ठीक उसी तरह बच्चों कितना ही चार्ज लोग एक्सचेंज कर लें, वाटर एक्सचेंज कर लें, चार्ज एक्सचेंज कर लें, जो कलेक्टिव अमाउंट होगा बच्चों वो कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है. मेरे कहने का मतलब है Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 पे डैश प्लस Q2 पे डैश. ये बहुत एक फंडामेंटल बात है, इसको आप लिख लिया करो Q टोटल, और किसी किसी बुक में बड़ा वाला Q भी कहते हैं कि पूरा चार्ज. ये बच्चों अगर ये दो बातें आपको ग्रास्प कर गई हैं तब आगे जो मैं करूंगा वो आपको समझ में आएगा. ऑल राइट, सो लेट्स डू दिस. यहाँ तक का बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ बातें अपन पढ़ लेंगे तो अपन को चीज़ें आसान हो जाएंगी. मैं कह रहा हूँ इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर है, Q के बराबर है, और कैपिटल Q भी मान सकता हूँ. यहाँ पर आ जाओ बच्चों, किसी के पास भी चार्ज होगा तो किससे देखते हो? C into V से देखते हो, नहीं देखते हो? और बाद में चार्ज होगा तो क्या बोलोगे? ले भाई C into V common,
नहीं आया। अरे भाई वी डैश करूंगा तो वो उसके बराबर नहीं हो गया, सोचो ना एक बार क्या बोल रहा है। क्यू बराबर सी वी, इन फेमस फॉर्मूला है चैप्टर का। तो मैं बोल सकता हूँ कि नया वाला चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, सर कैपेसिटी तो नहीं बदलती है, कैपेसिटी इंटू वी कॉमन। नाउ एवरीबडी सिटिंग इन द क्लासरूम कैन राइट कि सर जी क्यू जो नया वाला आया है वो सी इंटू वी कॉमन है, तो वी कॉमन तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो आप लिख सकते थे Q1 dash divide by Q2 dash equals to C1 divide by C2। हाँ भाई कर सकता हूँ यार, ये कॉमन है इसको हटा दो। इतना तो सोचो क्या बोल रहा है टीचर, Q dash proportional to C, यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर मैं, Q dash proportional to C होगा। ये इतनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो Q dash proportional to C होता है ये आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो आप लोग R1 by R2। Let's study the first part. पहला पार्ट स्टडी कर लेते हैं, और जैसे कि किसी भी रेशियो वाले टॉपिक में पढ़ाता हूं मैं आपको कि 9th-10th का कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ना सीखो। तो वहीं से अगर आगे जाएंगे तो लिख सकते हैं पहले कंडक्टर पे रहने वाला बाद वाला चार्ज Q1 डैश डिवाइड बाय Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ ये क्या है, ये टर्म आपकी चार्ज के बराबर है। So directly everybody sitting in the classroom can write Q1 dash equals to C1 divided by C1 plus C2 into Q। इसको डब्बे में डाल लो और फिर लिख लेना सीधा सीधा similarly, ठीक है। एक बार आपने डिविडेंडो लगाया कॉपी में, अपने कॉम्पोनेंट लगा लोगे तो न्यूमरेटर बच्चों आपको मिल जाएगी ये वाली टर्म। तो वहाँ से आपको Q2 dash बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर सेकेंड का देख रहे हो तो C2 आएगा, नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, मतलब जिसके बारे में बात करते हैं उसकी कैपेसिटी आती है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल चार्ज। इसको और बॉक्स में डाल लो, मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ बच्चों वो करते जाओ। अब मैं कह रहा हूँ जो कैपेसिटी है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, एंड देर विल बी सर्टन ओकेजन्स जब आपको कैपेसिटी ना देख करके बच्चों रेडियस देगा सामने वाला। तो उस केस में पता है क्या करते हैं अपन लोग, हम इसको नए तरीके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगर हमको रेडियस गिवन है, इफ रेडियस इज गिवन टू अस, आप लिखते हो पहली बॉडी पे जो चार्ज आएगा Q1 डैश, सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस पे रहने वाला बाद वाला चार्ज, तो Q1 डैश हो जाएगा बच्चों उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, रेडियस डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू चार्ज। एंड सिमिलरली Q2 डैश हो जाएगा बच्चों, ये हो गया R2 डिवाइड बाय, यहाँ मैंने लिखा है R1 प्लस R2 इनटू Q। इतना बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो पूरा पेज फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं बच्चों अपन लोग। मैंने आपको बताया पहले बकेट के एग्जांपल से, फिर इन दोनों के बारे में बताया, फिर ये मैंने कहा कि जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी के ऊपर, और बाद वाला चार्ज भी कर जाएगा। क्योंकि यार ये देखो आप एक बार, क्यू बराबर सी वी होता है तो क्यू डैश बराबर सी इंटू वी डैश होगा, एंड वी डैश इज इक्वल टू कॉमन फॉर बोथ द टर्म्स। और यहीं से मैं सारी बातें कर सकता हूँ। अब एक चीज बताने को रह गई है आपको, उसे कहते हैं वी कॉमन, मतलब कॉमन पोटेंशियल। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो चलो तो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि जब भी टॉपिक आएगा आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो आपसे मैक्सिमम चांस है कि वो आपसे ये इंसान पूछ ले। इसे कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। गोइंग बाय द जनरल लॉजिक बच्चों, वी को आप क्या बोल सकते हो बोलो, ये वाले फॉर्म में देख के बोलो, वी हो जाएगा क्यू बाय सी, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा वी कॉमन। कॉमन का मतलब है इस बकेट में देखो, अब ये टैप खोल दिया गया है, मतलब इन दोनों में मिलकर पानी जमा होगा और दोनों के चार्ज कलेक्टिवली काउंट होंगे। तो कहा तो जाता है कि वी का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू बाय सी, लेकिन आपको बोलना है क्यू टोटल और C को भी यहाँ पर टोटल कर देना। मतलब जो याद करोगे आप लोग वो ये रहेगा कि Q1 प्लस Q2 और यू कैन राइट Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइड बाय C1 प्लस C2। एक बात और बच्चों, कैपेसिटी होता है सीधा सीधा 4πε0 इंटू R। तो कभी कभी अगर आपको टीचर बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करने का ट्राई करेगा तो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे तो Q1 प्लस Q2 लिखना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन इन दोनों कैपेसिटी में ये टर्म के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वहाँ बच्चों 4πε0 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा R1 प्लस R2।
जिसको ऐसा भी लिखवाया जाता है कि 1/4πε0 हो जाता है के, अंदर बच्चे का बच्चों Q1 प्लस क्या लिखा है Q2 होल डिवाइड बाय आई हैव रिटन R1 प्लस R2। एक बार इस चीज़ को ढंग से देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि सर ने यहाँ पर क्या किया है। 4πε0 इंटू आर होता है, 4πε0 r0 होगा, तो ये C1 C2 का टर्म इस तरह बताया जा सकता है। हमें बच्चों इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, आप दोनों को देखकर समझ जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप ये लेकर जाएं घर। पूरे पेज पे एक जगह बस थोड़ा दिमाग लगाना है, वो ये कि सर नया वाला जो चार्ज होगा, बोलो नया वाला चार्ज इक्वल्स सी इंटू वी कॉमन, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, और कुछ करना ही नहीं इस टॉपिक में। आप जब भी पेपर में आएगा आप बोलना सर ने बकेट पढ़ाई थी अपन को, बकेट को अंदर कनेक्शन कराए थे हमको, दो अलग अलग साइज के इसलिए लिए थे कि मैं आपको समझा पाऊँ कि छोटे वाले कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज जा सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिगर वन टू फीड द स्मॉलर वन। सोचो क्या कह रहा हूँ, बात होती है पोटेंशियल की, जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है वो देगा चार्ज। ओके, तो इस पे बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, चलो डियर स्टूडेंट्स लेट अस टेक अप दिस प्रॉब्लम। वो कहता है आइसोलेट स्फीयर है हमारे पास, है ना, दो बच्चों आइसोलेट स्फीयर हैं जिनके रेडियस दे दिए इसने, मतलब ये आपका टर्म R1 का हो गया बच्चों, ये आपका टर्म R2 का हो गया, एंड दे आर हैविंग द चार्जेस ऑफ 12 माइक्रो कूलम और -3। बच्चों ये टर्म आपकी Q1 की हो गई और इसको आप लिख देना Q2, चारों बातें गिवन है। फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय द वायर, ये हमें आता है, और फिर बताना है फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, मतलब V आपको बच्चा लोग कॉमन बताना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विथ अ डायग्राम ऑल्सो। मैं बना रहा हूँ बच्चों पहला एक स्फीयर, और फिर मेरे पास क्या है बच्चों एक और स्फीयर, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है, दोनों के पास बच्चों अपना अपना खुद का रेडियस R1 और R2 के फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों के पास बच्चों शुरुआत वाला चार्ज दे रखा है। आपसे कहता है कनेक्शन हो जाने के बाद फर्स्ट पे कितना चार्ज होगा और सेकेंड पे कितना चार्ज होगा ये बता दो आप। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप यहाँ पे नेट चार्ज पता करेंगे कि इन दोनों के पास कितने रुपए होंगे मिला करके। दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, वही है नेट चार्ज को अगर मान लो मैं क्यू बोल देता हूँ तो वो हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस ऑफ Q2, डोंट फॉरगेट टू यूज द पोलैरिटी ऑल्सो, 12 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 9, एंड आई नीड टू राइट माइक्रो कूलम्स। अब बच्चों अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो पहली बॉडी पर रहने वाला बाद वाला चार्ज, आई रिपीट, पहली बॉडी पर रहने वाला बाद में चार्ज वो होता है, पहले की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा R1/R1 प्लस बोलो बेटा R2 इंटू क्यू। ध्यान मत क्वेश्चन अपना ख़राब मत करना, ये अगर सेंटीमीटर में होगा तो ये दोनों भी सेंटीमीटर में चल जाएंगे बिकॉज यूनिट्स कैंसिलेशन में चले जाएंगे। तो R1 बच्चों आपके पास 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 15 टाइम्स, और ये हो जाएगा अपने पास 9 माइक्रो कूलम का टर्म है, तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5 से ये गया और ये चला जाएगा बच्चों आपके पास 3 माइक्रो कूलम, ये मेरा पास क्या आ गया चार्ज आ गया। अब अगर मैं सेकंड वाले के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा सेकंड पर रहने वाला चार्ज, इसको लिख सकते हो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय योर चार्ज, सो R2 बच्चों अपने पास 10 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगा 5 प्लस 10, इसको डायरेक्टली मैंने 15 लिखा है, चाहो तो सेंटीमीटर लिख करके उसको इस तरह कैंसिल कर सकते हो, और 9 माइक्रो कूलम तो आपके नेट चार्ज की वैल्यू है, तो ये आ रहा बच्चों 2/3, 3 से जाएगा तो 3×2 हो जाएगा सीधा सीधा तुम्हारे पास 6 माइक्रो कूलम। बच्चे लोग इन दोनों को जोड़ करके ये भी तो मिल रहा है, ये भी तो देखो सही कर रहे हो आप लोग, यहाँ आपने क्या पता कर लिया फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर बीइंग कनेक्टेड, तो यहाँ तक तो बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हमसे बोला जाता है कि चलो कॉमन पोटेंशियल निकाल कर बताओ, सो यू कैन ऑल्सो स्टडी फॉर व्हाट शुड बी कॉमन पोटेंशियल। फॉर्मूला होता है इसका बच्चों, मैंने आपको लिख करके दे रखा है, ये होता है क्या करते हैं Q/C करते हैं, सो आई कैन राइट Q1 प्लस Q2, क्या करोगे बच्चों Q1 प्लस Q2 बताओ यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आ जाएगा C1 प्लस C2, सिंस हमको कैपेसिटी की जगह पे रेडियस दे रखे हैं तो आप बोलना कि सर जी हमें ये भी पढ़ाया था आपने ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, अब बच्चों इसको सेंटीमीटर में लिखना है, ये मत भूल जाना, यहाँ पे अपन ने कैंसिल किया था इसलिए मैंने यूज़ नहीं करवाया था,
मैं चाहता हूं बच्चों आप इसको ऐसे समझ के चलो कि Q1 प्लस Q2 सम करने पे तो मुझको 9 माइक्रो कूलम मिल रहा है, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 तो आ रहा है, और ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये हो जाता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। डिवाइड कर देते हैं बच्चों R1 और R2 का, तो 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है, यू कैन राइट 15। बच्चों गलत है अभी ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करा है। सॉल्व करके देखो ना उसको, ये हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा तो बच्चों प्लस का 2 बनाएगा, 9 और 2 11, 6 जाएंगे तो बच्चों मेरा आंसर आना चाहिए 10 टू पावर 5, और 3 से कट करता हूँ तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, 9 सीधा हो जाएगा बच्चों 27 डिवाइड बाय 5, विच वी कैन आल्सो राइट इन अनदर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 27 में हो जाएगा बच्चों 5.4 इंटू 10 टू पावर 5, और ये आ रहा है बच्चों आपका वोल्ट, ये अपना हो गया सेकेंड आंसर। देख लो एक बार क्या किया सर ने, ये दो तो फॉर्मूले अपन को पता होते हैं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग। हमें रेडियस दिया है तो आर वन अपन आर वन प्लस आर टू हो रहा है, और यहाँ हो रहा है आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, एंड चार्ज अपन को मालूम चल जाता है इस वाली लाइन से बच्चों। और लास्टली मुझे यहाँ पर मैंने जो काम किया है वो ये वाला फॉर्मूला है बच्चों, आपको लिख के दिया है मैंने 10 मिनट पहले, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप Q1 प्लस Q2 कर लेना जो ऑलरेडी आपको पता है, R1 R2 की वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ करा हुआ है, और अब तो आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें अपन को, यहीं तक छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है मार्क्स दिए जाएंगे, डन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ओके।